दोस्तों आज एक ऐसे टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जिसने बहुत ज़्यादा तहलका मचा के रखा हुआ है। एक ऐसी न्यूज़ जो हर तरफ है, हालांकि वो न्यूज़ इंडियन मार्केट से रिलेटेड नहीं है बट हाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। एक ऐसी टर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट स्क्वीज़ की। इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शॉर्ट स्क्वीज़ क्या है, ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जिस पे इसका असर हुआ, वो स्टॉक्स क्यों भागे, ये शॉर्ट स्क्वीज़ होता क्या है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया सर्कल पर इसको सर्कुलेट करना ना भूलें क्योंकि नॉलेज पे सभी का अधिकार है। दोस्तों कुछ दिनों से एक टर्म बहुत पॉपुलर हो रखी है, वो है शॉर्ट स्क्वीज़। और इस शॉर्ट स्क्वीज़ की वजह से कुछ अमेरिकन कंपनीज के शेयर्स जैसे गेमस्टॉप और एएमसी एंटरटेनमेंट के प्राइसेस एकदम से राइज कर गए। गेमस्टॉप कंपनी का प्राइस 130% राइज करके $345 पर शेयर पहुंच गया। इसी तरह एक और अमेरिकन कंपनी एएमसी एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स 300% राइज कर गए। ये पूरा चेंज सिर्फ 10 ट्रेडिंग सेशंस में हुआ और तब हुआ जब डाउ जोन्स नीचे आया हुआ था क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रखे हुए हैं। तो क्या है ये शॉर्ट स्क्वीज़ जिसकी वजह से बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स प्रेशर में आ गए? डे ट्रेडर्स ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हार मान गए उनके सामने? और सबसे बड़ी बात, क्या ऐसा इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है? क्या डे ट्रेडर्स के कंबाइंड पावर फंड मैनेजर्स को गिरा सकते हैं और कोई भी स्टॉक प्राइस को ऐसे फ्लक्चुएट करा सकते हैं? आज के इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों हाँ, अगर आप घर बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं या कर चुके हैं तो स्टॉक मार्केट में इंडिया के नंबर 1 ब्रोकिंग एंजल ब्रोकिंग के साथ अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं। साथ साथ में जैसे ही उस लिंक से आप अकाउंट खोलते हैं तो आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाते हैं जहां पे मैं अपने प्राइवेट ट्रेडिंग एनालिसिस आपसे शेयर करता हूं। किसी और भी ब्रोकर के साथ अगर आप अकाउंट खोलना चाहें जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एलिस ब्लू या स्टॉककास्ट, तो उसके लिंक्स भी वीडियो में दिए गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेज फंड मैनेजर्स और शॉर्ट सेलिंग है क्या? सीधी लैंग्वेज में कहा जाए तो हेज फंड्स ऐसे अल्टरनेटिव फंड्स होते हैं जो हाई रिस्क रिटर्न्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज करते हैं और हेज फंड्स पे रेगुलेशंस भी कम होती है। ये एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज तो यूज करते ही हैं ताकि उनके इन्वेस्टर्स को बेस्ट रिटर्न्स दे सके कम से कम टाइम में। अब हेज फंड मैनेजर्स के तरह एक और तरीके के लोग होते हैं स्पेकुलेटर्स। इनका काम ही है स्टॉक प्राइसेस ओवर वैल्यूड हैं या नहीं ये स्पेकुलेट करना। ये दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं शॉर्ट सेलिंग टेक्निक्स। शॉर्ट सेलिंग एक बियर टाइप का बिहेवियर है। इस प्रोसेस में बियर इन्वेस्टर सेलिंग और बाइंग के बीच में जो फर्क होता है वो अमाउंट के मुनाफे को कमा के चला जाता है। घाटा होता है कंपनी इन्वेस्टर्स का जिन्होंने उस स्टॉक पे पैसा लगाया था। बुल बिहेवियर होता है इस बिहेवियर को नेगेट करना, यानी कोई अगर स्टॉक सेल कर रहा है तो उसको खरीद लेना ताकि उसकी डिमांड बढ़ जाए। जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे ही प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो स्पेकुलेटर्स यानी बियर इन्वेस्टर्स को लॉस होगा। शॉर्ट सेलिंग में लॉस की कोई लिमिट नहीं है या पूरा पैसा लॉस हो सकता है प्राइस अगर राइज कर जाए तो। जी हाँ, इन्वेस्टर भी उसी स्टॉक को खरीदेगा ताकि उसका लॉस मिनिमाइज हो सके और इसी प्रोसेस को बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज, यानी चाल उल्टा पड़ जाना। स्पेकुलेटर्स यानी बियर इन्वेस्टर्स चाह रहे थे कि स्टॉक नीचे आए लेकिन हेज फंड मैनेजर्स ने और डे ट्रेडर्स ने मिलकर अगर स्टॉक्स के डिमांड को बढ़ा दिया तो फिर वो स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा और शॉर्ट सेलिंग की जगह शॉर्ट स्क्वीज होगा। यही हुआ है गेमस्टॉप और एएमसी एंटरटेनमेंट के मामले में। अब शॉर्ट स्क्वीज क्या पूरा समझते हैं। अगर कोई भी स्पेकुलेटर्स का इन्वेस्टमेंट कंपनी की पोजीशंस कोई भी स्टॉक में एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जाता है तो फिर उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो पब्लिक डोमेन में रहता है, यानी कोई भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। शॉर्ट सेल करने वाली कंपनीज ने जब गेमस्टॉप एंड एएमसी एंटरटेनमेंट में अपना पोजीशन लिया और वो लिमिट के ऊपर गया तो फिर वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ गया और इसके बाद पब्लिक मैसेजिंग फोरम रेडिट पे ये पोस्ट गया कि शॉर्ट सेलर्स ने एएमसी एंटरटेनमेंट और गेमस्टॉप पे पोजीशंस लिया है। ये न्यूज़ बाहर आते ही डे ट्रेडर्स ने एक साथ मिलकर इन दोनों स्टॉक्स में पोजीशन लेना शुरू कर दिया ताकि उसकी डिमांड बढ़े। ऐसा करते ही स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लगे, शॉर्ट सेलर्स भी अपनी लॉस मिनिमाइज करने के लिए शेयर्स खरीदेगा और इस तरीके से डे ट्रेडर्स या रेवेन्यू ट्रेडर्स की वजह से शॉर्ट सेलर्स का प्लान पूरा उल्टा पड़ जाएगा। जिस शेयर को नीचे जाना चाहिए था वो ऊपर चला जाएगा। इसी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट में बड़ा उलटफेर हो गया। सवाल ये है कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ऐसा हो सकता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है क्योंकि ये रेडिट पे पोस्ट के बाद जो केस यूएसए में हुआ है उसके लिए बहुत पैसा जरूरी था। इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स या डे ट्रेडर्स के पास इतना पैसा नहीं है, वो एक साथ मिलकर शॉर्ट सेलर्स या स्पेकुलेटर्स की चाल को उल्टा नहीं कर सकते। और कुछ लोगों ने स्पेकुलेटर्स
बियर्स या बियर इन्वेस्टर्स के खिलाफ साइड लिया था, जिसपे वेब सीरीज भी आई है स्कैम 92 नाम से, यानी इंडिया में सिस्टम के खिलाफ या एग्जिस्टिंग पावरफुल इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन कह नहीं सकते कि आने वाले दिनों में शायद ऐसा कुछ इंडियन मार्केट में भी देखा जाएगा। तो दोस्तों आई होप शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट स्क्वीज आपको समझ में आया, और अगर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट अगर आप चाहते हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक यू सो मच, नहीं पसंद आया होगा तो इंप्रूवमेंट का स्कोप होगा, इंप्रूव जरूर करेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि ऐसी अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।